एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक आपकी बुक से, लिटरेरी जर्नीज एंड इंग्लिश रीडर प्राइमर बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज। तो हमारे इस टॉपिक का आज नाम है ऑपोजिट वर्ड्स। इस टॉपिक के अंदर हम ऑपोजिट्स पढ़ेंगे। ऑपोजिट वर्ड हमें किसी भी वर्ड का एंटोनिम बताते हैं। एंटोनिम का मतलब क्या होता है बच्चों? उसका उल्टा। ऑपोजिट मतलब उल्टा। जैसे हॉट का उल्टा क्या होता है? कोल्ड होता है। अप का उल्टा क्या होता है? डाउन होता है। सो अप मतलब ऊपर जाना, डाउन मतलब नीचे आना, ठीक है। इन का उल्टा आउट, मतलब इन का ऑपोजिट आउट। कम का ऑपोजिट गो। कम का क्या ऑपोजिट होता है बच्चों? गो। बड़ा, बिग का ऑपोजिट स्मॉल, बिग का स्मॉल। फार मतलब दूर, दूर का ऑपोजिट नियर। ओल्ड का ऑपोजिट न्यू। फास्ट का ऑपोजिट स्लो, ठीक है। फास्ट का क्या है? स्लो है। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि ऑपोजिट्स क्या होते हैं? ऑपोजिट्स होते हैं उल्टा। मतलब किसी भी वर्ड का जब हम एंटोनिम लिखते हैं, उसका ऑपोजिट लिखते हैं, मतलब उसका उल्टा लिखते हैं, तो वो उसका ऑपोजिट बन जाता है। जैसे कम का गो, हॉट का कोल्ड, इन का आउट, ठीक है, बिग का स्मॉल। आपको ये ध्यान रखने हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। नाउ टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।